क्या आपको भी थायराइड है और आप भी थायराइड के लिए अंग्रेजी दवाइयाँ खा खाकर अपना लीवर और किडनी खराब कर चुके हैं? तो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक ऐसी दवाई जिसको खाने से आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं होने वाला है और आपका जो थायराइड की प्रॉब्लम है वो भी सही हो जाएगा। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि थायराइड का रिपोर्ट कैसे देखते हैं और इसका ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं, साथ ही आपको इसके अंदर सिम्टम भी बताऊंगा मैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, यदि आप थायराइड का टेस्ट कराने जाते हैं तो उसके बाद आपको डॉक्टर कुछ इस तरह का रिपोर्ट देता है। तो हम इस रिपोर्ट के अंदर कैसे पता लगाए कि हमें थायराइड है या फिर नहीं, तो इसके अंदर हम TSH का लेवल देते हैं। जो TSH हार्मोन होता है उसका लेवल चेक किया जाता है। जो नॉर्मल TSH का लेवल होता है वो होता है 0.40 से लेके 4.00 तक। अगर ये लेवल इससे ज्यादा ऊपर चला जाता है, यानी इससे हाई होता है, तो समझ लीजिए कि आपको थायराइड की प्रॉब्लम है, यानी आपको हाइपोथायराइड की प्रॉब्लम हो चुकी है। इस कंडीशन में आपको अंग्रेजी दवाइयों में थायरोक्सिन सोडियम का सोल्ट दिया जाता है, जो कि आपको कई ब्रांड में मिल जाता है, जैसे कि थायरोनॉर्म, थायरोक्स और थायरोडियल। ये सब क्या है, थायरोक्सिन सोडियम का ही सोल्ट है, जो कि अलग अलग ब्रांड से आपको मिलते हैं। तो ये तो है अंग्रेजी दवाइयाँ, जो कि आपको बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के नहीं लेनी होती है, क्योंकि जो डॉक्टर होता है आपकी वेट और हाइट और आपका एज देख के ही इन दवाइयों में प्रिस्क्राइब करता है। तो ये दवाई आपको नहीं लेनी है। तो ये तो थे अंग्रेजी दवाइयाँ जिससे आप खा के पहले से ही परेशान हो चुके हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं थायराइड के सिम्टम क्या होते हैं। तो सिम्टम की बात करें तो थायराइड में दो तरह के सिम्टम देखने को मिलते हैं, एक तो होता है स्लो सिम्टम और दूसरा होता है ड्राई। तो हम स्लो की बात करें तो स्लो में आता है आपका जो मेटाबॉलिक रेट होता है वो स्लो हो जाता है, और मेटाबॉलिज्म स्लो होने की वजह से आपका वेट गेन होने लगता है, यानी कि आपके अंदर फैट बढ़ने लगता है। सिंपल भाषा में कहे तो आपको मोटापा आने लगती है, और उस मोटापा के वजह से आपके अंदर थकान बन जाता है, यानी आप थकान सा फील करते हैं, थके थके फील करते हैं। अब हम बात करते हैं ड्राई का। तो ड्राई में जो हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन होती है वो ड्राई हो जाता है, और म्यूकस मेम्ब्रेन ड्राई होने की वजह से हमारी जो स्किन होती है ये भी ड्राई हो जाता है, और साथ ही हमें कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम बनी रहती है। तो ये तो था सिम्टम। तो अब हम बात कर लेते हैं ट्रीटमेंट का, यानी आपको अंग्रेजी दवाइयों को स्किप करके कौन सी दवाई लास्ट डेली यूज में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपके लिए मैं लेकर आया हूँ आयुर्वेदा प्लस होम्योपैथी, यानी दोनों पैथी के बेस्ट मेडिसिन। तो आयुर्वेदा में आपको कंचनार गुगुल नाम की एक मेडिसिन मिलती है, जो कि हाइपोथायरॉयडिज्म के लिए बहुत ही बेस्ट मानी जाती है, और होम्योपैथिक के अंदर आपको थायरोडिनम, जो कि 3 एक्सपोटेंसी में लेनी होती है, ये आपको लेनी है दवाइयाँ। अगर हम इसके डोज की बात करें तो जो कंचनार गुगुल है ये तो आप एक टेबलेट सुबह और शाम दोनों टाइम लेना होता है खाना खाने के बाद, और जो थायरोडिनम होता है ये आपको 2 टेबलेट सुबह लेनी होती है और 2 टेबलेट शाम को लेनी होती है, यानी रात में लेनी होती है। ये भी BD है, लेकिन ये जो होता है खाली पेट लेनी होती है। कोई भी होम्योपैथिक की जो दवाइयाँ होती हैं वो ज़्यादातर खाली पेट ही लेना होता है, लेकिन इसके अंदर भी 2 तरह के कंडीशन आते हैं। यदि आप पहले से अंग्रेजी दवा खा रहे हैं यानी ले रहे हैं, तो आपको जो अंग्रेजी दवा है तुरंत नहीं छोड़नी है, आपको उस दवा के साथ साथ इसको भी चलाना है, और फिर आप टेस्ट कराइए। अगर आपको आराम मिलता है तो धीरे धीरे करके आप उस अंग्रेजी दवा को स्किप कर सकते हैं, यानी छोड़ सकते हैं, लेकिन अचानक से आपको ये दवा नहीं बंद करनी है। दूसरी कंडीशन ये आती है, यदि आप पहले से कोई दवा खा ही नहीं रहे हैं, यानी आपको पहली बार थायराइड की प्रॉब्लम हुई है और आपने अभी तक कोई दवा इस्तेमाल नहीं किया है, उस कंडीशन में आप इन दोनों दवाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनका कोई साइड इफेक्ट नहीं देखने को मिलता है, और इन दवाओं का बहुत सारे पेशेंट के ऊपर उपयोग किया गया है, जो कि बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को भी मिला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।